जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 सितंबर और 23 सितंबर के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए 22 सितंबर और 23 सितंबर का दिन कैसा रहेगा, इन 2 दिनों में कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं, ये 2 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इतने बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन इन दिनों में होने वाला है। और जो ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां होंगी, जो योग बनेंगे, जो तिथि होगी, जो नक्षत्र होगा, उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर किस तरह से होगा, जानेंगे सब कुछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, करियर, नौकरी, दुकान, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएँ हमारे चैनल के साथ। हम आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ देते रहते हैं। तो चलिए इन 2 दिनों की तिथि, नक्षत्र, योगों के बारे में बात कर लेते हैं। 22 सितंबर शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, अनुराधा नक्षत्र है और प्रीति नाम का योग बनेगा। ये मंगलवार का दिन है, सूर्य कन्या राशि में है और चंद्रमा इस दिन वृश्चिक राशि में रहेंगे। इस दिन के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो वो सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहने वाला है। इस दिन रवि योग बनेगा और साथ ही 22 सितंबर के दिन बुध का राशि परिवर्तन भी होगा। बुध भी कन्या राशि अपनी राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 23 सितंबर की यदि बात की जाए तो 23 सितंबर शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और इस दिन ज्येष्ठ नक्षत्र रहेगा, आयुष्मान या नाम का योग बनेगा। बुधवार का दिन है, सूर्य कन्या राशि में है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही इस दिन रहेंगे। इस दिन कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है और इस दिन का जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है कि इस दिन राहु और केतु दोनों अपनी राशि परिवर्तित करेंगे, दोनों ही गोचर करेंगे। सुबह के वक्त राहु का गोचर होगा, राहु वक्री अवस्था में चलते हुए मिथुन राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और धनु राशि में से केतु निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। ये जो परिवर्तन है ये बहुत बड़ा परिवर्तन माना जाता है। शनि का परिवर्तन सबसे बड़ा होता है और उसके बाद जो परिवर्तन आता है सबसे बड़ा वो राहु और केतु का होता है। इन दोनों का परिवर्तन बहुत से प्रभाव आप सभी लोगों के जीवन पर डालने वाले हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं, सबसे पहले ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, उसके बाद ये जो राहु के परिवर्तन होंगे ये कब आपको देखने को मिलेंगे। हम चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में है दोनों ही दिन। तुला राशि की बात कर रहे हैं, तुला राशि के लोगों के लिए चंद्रमा की स्थिति द्वितीय भाव में होगी। दूसरा भाव जो होता है वाणी का भाव होता है, धन का भाव होता है, धर्म का भाव होता है। तो इस दौरान एक तो थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी क्योंकि यहाँ आपकी वाणी प्रभावित होगी, तो आपकी वाणी पर आपको थोड़ा नियंत्रण रखने की ज़रूरत होगी। वाणी पर नियंत्रण रखकर आप काम करेंगे तो अपने कामों को पूरा कर पाएंगे, वरना ऐसा हो सकता है कि आपके ना चाहते हुए भी आपके द्वारा बोली गई कोई बात आपके किसी साथी को, आपके घर के सदस्य को, आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति को बुरी लग सकती है, जिससे आपका जो प्रिय है वो आपसे दूर हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा संयम आपको अपनी वाणी पर ज़रूर रखना होगा। और इसके अलावा क्या प्रभाव होंगे, धन भाव में चंद्रमा होंगे जो कि वृश्चिक राशि में है और यहाँ जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। वृश्चिक राशि में 23 सितंबर को केतु भी आ जाएंगे, केतु के साथ चंद्र की युति होगी, तो ये जो स्थिति होगी ये आपको धन के संबंधित मामले जो हैं उनमें ठीक ठाक आपके लिए रिजल्ट देने वाली साबित होगी। ये जो समय होगा ये आपके अंदर एक जोश भर देगा, एक आपको अद्भुत अनुभव इन दिनों में होंगे। रोजमर्रा की जो दिनचर्या है उससे आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिलैक्स फील करते हुए नजर आएंगे और खुद को तरोताजा कर पाएंगे। ये समय अपने अपनों के साथ कहीं बाहर भी घूमने आप जा सकते हैं। अगर आप किसी दावेदारी के लिए, किसी पद के लिए आप सोच विचार कर रहे हैं तो ये समय हो सकता है कि जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां आप पहुंच जाएं। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो इस समय थोड़ी सावधानी रखें, किसी कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए किसी से झगड़ा हो सकता है। आप अपने खुद पर, अपने क्रोध पर बस आपको संयम रखना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा। अगर वित्तीय स्थिति की बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें तो वित्तीय स्थिति चिंताजनक बिल्कुल नहीं है। योजना आपकी अच्छी रहेंगी, जो आपके भविष्य के लिए अच्छी तरह से निर्मित की गई हैं वो आपको निश्चित रूप से लाभ देंगी। सही बजट बनाएं, सही योजना बनाएं और आप सही मार्ग पर चल रहे हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ये जो समय है ये आपको महसूस कराएगा कि कुछ जो आप प्रयास कर रहे हैं वो आपको सफलता दिला सकते हैं। इसके अलावा बुध राशि परिवर्तित करके तुला राशि में आ गए हैं, आप ही के लगन में आ गए हैं। आपके लगन में बैठकर जो बुध हैं वो कहीं ना कहीं आपको सचेत करने की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा जो सचेत है वो यही है, सावधानी है वो यही है कि वाणी पर जितना नियंत्रण रह सकता है रखें। अगर चाहते हैं काम बनते रहें, अगर चाहते हैं किसी के साथ विवाद ना हो, तो संयम से पेश आना होगा, नाप तोल कर शब्दों का प्रयोग करना होगा। बाकी समय अपने आप ही अनुकूल हो जाएगा जब आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे। और देखिए, जो हम बात कर रहे थे सबसे बड़े परिवर्तन की, राहु के परिवर्तन की, तो राहु राशि परिवर्तित करके वृषभ राशि में आ रहे हैं, जो तुला राशि वाले लोगों के लिए अष्टम भाव में है। अष्टम भाव का राहु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। अष्टम भाव का राहु विदेश जाने का योग बनाता है। विदेश आप जा सकते हैं, विदेश में नौकरी कर सकते हैं, विदेश से बिजनेस कर सकते हैं, सेटल होना चाहते हैं तो विदेश जा सकते हैं। तो राहु का गोचर कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, आर्थिक रूप से भी आपके लिए बहुत अच्छे समय की शुरुआत कराएगा। राहु एक छाया ग्रह है और शनि का छाया ग्रह है, तो शनि भी मार्गी होने वाले हैं और गुरु भी मार्गी हो चुके हैं। तो तुला राशि वाले लोगों के लिए ये जो समय होगा, देखिए राहु के रिजल्ट की अगर बात करें, अगर आप सोचते हैं राहु का राशि परिवर्तन हुआ है रिजल्ट कम मिलेंगे, तो एक चीज़ ज़रूर क्लियर करके चलें कि राहु का जो रिजल्ट होता है उसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है कि आपको रिजल्ट अभी मिलेंगे या कब मिलेंगे। राहु मायावी ग्रह है, उसी तरह से वो अपने रिजल्ट देता है, कभी भी, शुरुआत में भी दे सकता है, मध्य में भी दे सकता है, अंत में भी दे सकता है। तो राहु के जो रिजल्ट होते हैं वो अचानक से आते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी काम को लेकर, चाहते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, हो सकता है ना आए, लेकिन अचानक से फिर जब आपने ना सोचा होता वो रिजल्ट आता है। तो इस तरह से आपको बस अपने काम पर ध्यान देना है, अपने काम से काम रखना है, अपने काम पर ध्यान देना है, अच्छे कर्म करने हैं और जो सही योजनाएं हैं उन पर अमल करना है। यहाँ आपका मन भटक सकता है कुछ धर्म के विरुद्ध काम करने का, नीति के विरुद्ध काम करने का, क्योंकि राहु न धर्म को मानता है न नीति को मानता है, किसी बाउंडेशन को नहीं मानता है, हर बाउंडेशन से अलग राहु चलता है। इसीलिए इनका जो प्रभाव है वो ज्योतिष पर होता है, वैज्ञानिक पर होता है, शोधकर्ताओं पर होता है, जो किसी बाउंडेशन को नहीं मानते। आज ये इन्वेंट किया है, कल कुछ और करेंगे, उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इसीलिए आपको अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल आपको मिलेंगे। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 सितंबर और 23 सितंबर के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए 22 सितंबर और 23 सितंबर का दिन कैसा रहेगा, इन दो दिनों में कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं, ये दो दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इतने बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन इन दिनों में होने वाला है। और जो ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां होंगी, जो योग बनेंगे, जो तिथि होगी, जो नक्षत्र होगा, उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर किस तरह से होगा जानेंगे सब कुछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, करियर